हेलो भाई, जय श्री राम। और आज मैं करने वाला हूँ भाई एक ऐसी कार का रिव्यू जो कि ड्रीम कार है काफ़ी लोगों की एंड वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी भी है अपने सेगमेंट की, एंड वो है भाई BMW X5। तो सारी डिटेल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, सारी फीचर्स वगैरह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ BMW X5 एंड इतनी ज़्यादा पावरफुल कार है ये बिकॉज यहाँ पर आता है 3000 cc का डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है 550 Nm का टॉर्क और 375 bhp। 550 Nm इज़ वेरी पावरफुल यार, मतलब गाड़ी ऐसे झट से पकड़ लेती है 100 की स्पीड तो पता भी नहीं चलता। एंड प्राइस की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी आज के टाइम में 1 करोड़ प्लस की आती है ऑन रोड। एंड ये इसका 2016-17 का मॉडल है, बट रोड प्रेजेंस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस कार। सबसे पहले तो जो ध्यान जाता है ना वो है इसके अलॉय व्हील्स, दीज आर 20 inches अलॉय व्हील्स। एंड जहाँ पर जनरली लोग 20 इंच के अलॉय व्हील्स इंस्टॉल कराते हैं अपनी कार्स में, मॉडिफाई करवाते हैं गाड़ियों को, वहाँ पर भाई स्टॉक आते हैं BMW X5 में 20 इंच के अलॉय व्हील्स। एंड रोड प्रेजेंस गाड़ी की नेक्स्ट लेवल लगती है। दिस इज़ अ ब्लैक कलर, बिल्कुल माफिया लुक यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इस तरह से आ जाती है, इसमें ग्रिल BMW का फेमस लोगो इस तरह से, एंड हेडलाइट्स वगैरह इस तरह से आ जाती है। इसमें DRLs वगैरह हर एक चीज़ है, फॉग लाइट वगैरह, फीचर लोडेड कार है। एंड जो इसके अलॉयज़ है ना यार वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। BMW के जो अलॉयज़ का डिज़ाइन होता है वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा एंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। एंड रियर लुक देख सकते हो उस तरह से आ जाती है इसमें, X5 की बैजिंग वगैरह, रियर वाइपर, हर एक चीज़। एंड यहाँ पर मिल जाता है डुअल एग्जॉस्ट इन रेयर। ऑब्वियसली 3000 cc का इंजन है, पावरफुल गाड़ी है तो डुअल एग्जॉस्ट तो इसमें होना बनता है भाई। और रियर में इस तरह से कैमरा वगैरह आ जाता है। एंड बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाता है। सबसे पहले अंदर चलते हैं बिकॉज़ यार गाड़ी अगर 1 करोड़ की है तो इंटीरियर देखना तो बनता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ X5, इस तरह से मिलते हैं वुडन फिनिश। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं बटन्स वगैरह। एंड यहाँ पर जो म्यूज़िक सिस्टम है वो है हार्मन कार्डन का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम साउंड क्वालिटी है। एंड यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है थ्रू आउट द डोर पैनल लेदर रेट फिनिशिंग। एंड यहाँ पर इस तरह से बॉटल होल्डर वगैरह। एंड सीट्स की बात करें तो इस तरह से आ जाती है इसमें सीट्स, देख रहे हो काफ़ी सही है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लंबार सपोर्ट भी आता है इसमें। एंड दीज आर मेमोरी सीट्स विद 2 memory settings, ठीक है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड कार इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम इनसाइड, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार है। सो अब मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर और दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार। मतलब जैसे SUVs में लगता था कि भाई काफ़ी ऊपर ऊपर को डैशबोर्ड लगता है, इसमें पूरी कमांडिंग पोजीशन आ रही है, पूरा बोनेट विजिबल है एंड काफ़ी ऊंचा फील हो रहा है। मतलब सीट्स की जो हाइट है, ऑल दो दीज आर हाइट एडजस्टेबल सीट्स, बट एक जो SUV वाला मज़ा है ना वो इसमें प्रॉपर आ रहा है भाई, कि मतलब काफ़ी ऊंचाई हाइट पर बैठे हैं। एंड यहाँ पर इस तरह से बिग साइज का आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो ये चीज़ तो काफ़ी सही है। एक बार डोर को कर लेते हैं क्लोज़ यार, भाई इन गाड़ियों के डोर को क्लोज़ करने में कोई फोर्स वगैरह नहीं लगानी पड़ती, बड़े आराम से डोर क्लोज़ हो जाते हैं। और इस तरह से आ जाता है इसमें स्टेयरिंग व्हील, दिस इज़ लेदर रैप्ड, पेडल शिफ्टर्स आ जाते हैं इसमें, कंट्रोल्स वगैरह इस तरह से मिल जाते हैं। एंड इस तरह से आता है इसमें क्लस्टर, 260 की टॉप स्पीड है, डीजल कार है तो इस तरह से यहाँ पर मिलता है डीजल फ्यूल इंडिकेशन के लिए एंड यहाँ पर टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए। काफ़ी बेसिक सा है बट सही लगता है यार। एंड जो प्रीमियम कार्स होती है भाई उनमें कुछ कुछ चीज़ें आपको काफ़ी बेसिक मिलेंगी, ठीक है, वही उसका मज़ा भी है। एंड ये मिलता है इसमें पूरा बिग साइज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी गाड़ी की चाबी मेरे पास नहीं है, ऑन करके नहीं दिखा सकता, बट जो पूरा डैशबोर्ड है दिस इज़ ऑल सॉफ्ट टच, ठीक है। मतलब जो पैसा आदमी खर्च करता है इन कार्स में वो पूरा वर्थ इट लगता है, क्योंकि प्रीमियमनेस इतनी में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो पूरा सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, दिस इज़ सॉफ्ट टच। एंड यहाँ पर इस तरह से वुडन फिनिश है, ठीक है, कोई नकली वाली नहीं है, जो कि भाई आज के टाइम में डिज़ायर विज़ायर में भी देखने को मिलता है ना, मारुति की सियाज वगैरह में, दिस इज़ ऑल प्योर वुडन फिनिशिंग। एंड यहाँ पर इस तरह से पियानो ब्लैक फिनिशिंग है एंड इस तरह से यहाँ पर
एसी वेंट्स वगैरह कंट्रोल्स, और इस गाड़ी में भाई सीडी लगती थी, तो यहाँ पर इस तरह से सीडी का भी ऑप्शन है, ठीक है, डीवीडी वगैरह पर इस तरह से मिल जाता है स्टोरेज एरिया। इसको पीछे स्लाइड करेंगे तो बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, और ये है ऑटोमेटिक और बीएमडब्ल्यू का फेमस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, इस तरह से मिल जाता है। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, मैनुअली स्पोर्ट्स मोड पर भी इसको चला सकते हो, पार्किंग मोड यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से। एंड जो इसका लीवर है, ऑब्वियसली हमेशा से ही जो बीएमडब्ल्यू का गियर लीवर होता है वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से एंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी से लगता है। एंड यहाँ पर ये पूरा टच पैड है टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, इस तरह से रोटेट भी करता है, नेविगेशन वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। और मोड्स की बात करें तो यहाँ पर आता है स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड, ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल बटन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आ जाता है, एंड यहाँ पर पार्किंग मोड भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है यहाँ पर ऑटो होल्ड के साथ में, ठीक है। सो ये हो गया, एंड यहाँ पर आ जाता है इस तरह से आर्म रेस्ट बिग साइज़ का, एंड इसको अगर ओपन करना है तो यहाँ पर बटन मिलता है, इस तो प्रेस करो इस तरह से, एंड ये यहाँ पर ओपन हो जाता है पूरा, एंड यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं इस तरह से, चार्जिंग स्लॉट वगैरह, ऑक्स वगैरह का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है यहाँ पर, एंड इसको कर देते हैं क्लोज़। एंड जो सीट्स की फिनिशिंग है, जो सीट्स का लेदर है वो काफ़ी सही है, एंड ऊपर यहाँ पर इस तरह से बिग साइज़ की मिल जाती है पैनारोमिक सनरूफ, इलेक्ट्रोक्रोमिक आ जाता है आरवीएम इसमें, एंड सनवाइज़र वगैरह इस तरह से मिल जाता है, ड्राइवर साइड पे भी मिल जाता है इसमें वैनिटी मिरर विद लाइट, ठीक है, इसको क्लोज़ कर लेते हैं, और को पैसेंजर साइड में भी मिल जाता है वैनिटी मिरर विद लाइट। सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं, एंड दिस इज़ फॉर सनग्लास होल्डर आई थिंक, लाइट्स वगैरह इस तरह से आ जाती है एलईडी में, एंड बिग साइज़ की आ जाती है इसमें पैनारोमिक सनरूफ, हर एक चीज़ है, फीचर्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एंड जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है सीरियसली। और अब चलते हैं रेयर में, एंड लेट्स सी कि रेयर में कितना स्पेस वगैरह मिलता है इन दिस कार। एंड सीट्स को कर लेते हैं आगे अगेन, एंड नीचे जो पेडल्स वगैरह मिलते हैं वो इस तरह से मिल जाते हैं इन दिस कार, और फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट। अब चेक कर लेते हैं रेयर में कितना स्पेस वगैरह मिलेगा, एंड लेंथ काफ़ी सही है गाड़ी की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेंथ मिल जाती है यहाँ पर, एंड विंडो एरिया भी पूरा काफ़ी सही मिलता है यहाँ पर, एंड रेयर डोर पैनल भी अगेन इस तरह से मिल जाता है इन वुडन फिनिशिंग, लेदर पूरा हर एक जगह पर आपको लेदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच मिलेगा। कर्टेंस आ जाते हैं पीछे भी इसमें फॉर रेयर पैसेंजर्स, एंड यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम वगैरह, इस तरह से पावर विंडो, एंड रेयर में मिल जाती है इस तरह से बीएमडब्ल्यू की स्कफ प्लेट, और रेयर सीट्स मिल जाती है इस तरह से, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है देखने में, डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी सही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, एंड रेयर स्पेस वेरी गुड इन दिस X5, ठीक है, काफ़ी सही है भाई, और कंफर्टेबल सीट्स है, ठीक है, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी सही है, सो कंफर्ट इज़ गुड इनफ इन दिस कार, और कंफर्ट वगैरह होना भी चाहिए यार, इतना पैसा अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है तो कंफर्ट तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। एंड दिस इज़ द फ्रंट डैशबोर्ड, काफ़ी सही लगता है, और रेयर एसी वेंट्स वगैरह इस तरह से आ जाती है इसमें, इतना कुछ खास नहीं है, पिलर पर मिल जाती है इस तरह से एसी वेंट्स, एंड रेयर से बात करें तो ऊपर आ जाते हैं इसमें शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स वगैरह, एंड रोड प्रेजेंस काफ़ी सही है यार, स्पेशली व्हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। एंड यहाँ पर एक और फीचर मिल जाता है, अगर कोई ओवरटेक करता है तो यहाँ पर इंडिकेशन वगैरह आ जाता है, सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।